दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल को ज्ञानवापी मस्जिद केस को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। वहीं प्रोफेसर रतन लाल की रिहाई की मांग को लेकर शनिवार को हिंदू कॉलेज के आर्ट फैकल्टी के बाहर धरना प्रदर्शन हुआ। प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी के विरोध वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आयसा के बैनर तले छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने ज्ञानवापी विवाद में रतन लाल को तुरंत रिहा किए जाने की मांग की। आयसा के बैनर तले छात्रों ने प्रोफेसर रतन लाल को तत्काल रिहा करने की मांग करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट फैकल्टी के बाहर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र शुक्रवार की रात भी साइबर सेल थाने पहुंच गए थे। छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल को तुरंत रिहा किए जाने की मांग कर रहे थे। रात गुजरने के बाद छात्र फिर से एक्टिव हो गए और आर्ट फैकल्टी के बाहर धरना प्रदर्शन किया। गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन के पोस्टरों में रिहाई की मांग के साथ साथ लिखा था, स्टॉप टेरिटराइजिंग दलित वॉइसेज, यानी दलित समाज की आवाजों को दबाना बंद करो। दरअसल वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान परिसर में कथित शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था। रतन लाल पर ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है, जिसको लेकर रतन लाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज कराई थी। प्रोफेसर रतन लाल पर IPC की धारा 153A और 295A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।